मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे आला ईमान के दर्जे वाला वो है कि जिसके अखलाक अच्छे हों। कि अच्छे अखलाक की आपने खुद तारीफ फरमाई और कहा कि ए अबू हुरैरा, अपने अखलाक अच्छे करो। और कहते हैं या रसूल अल्लाह, अच्छे अखलाक क्या होते हैं? आपने फरमाया कि अबू हुरैरा, अखलाक का आखिरी दर्जा वो है कि जो आपसे तोड़े उससे जोड़ो, जो आपसे मुंह मोड़े उनसे सलाम करो, जो आपसे आपका हक ले ले आप उनका हक उनके घर तक पहुंचाओ, और जो ज्यादती करे उसे माफ कर दो। इसके अलावा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे कामिल इंसान का फरमान सुने। किसी को तहज्जुद में देखते हुए ये ना समझना कि वो रो रहा है, तो इसी वजह से वो एक बहुत पहुंची हुई सरकार है या एक बहुत ही पहुंचा हुआ इंसान है। नहीं, वहीं पर उमर जैसी हस्ती फरमाते हैं कि सुन लो, और उन्होंने फरमाया कि कामिल इंसान वो इंसान है जो किसी को दुख ना पहुंचाए और किसी को धोखा ना दे। हमारे माहौल में इबादत पर खास तवज्जो दी जाती है, लेकिन अखलाक के ऊपर तवज्जो बिल्कुल नहीं दी जाती। पूरे साल हम लोग उम्रे करते हैं, हम लोग नफल पढ़ते हैं, हम लोग नमाजें पढ़ते हैं, हम लोग कुरान पढ़ते हैं। हाँ, इसके अंदर कोई भी कबाहत नहीं है, इसके अंदर कोई भी बुरी बात नहीं है, पढ़े इसके अंदर, ये अल्लाह ताला का पसंदीदा काम है। लेकिन अपने अखलाक अच्छे करें, कमाल इबादत से नहीं अखलाक से आता है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और इरशाद मुबारक है कि इस्लाम मीठा बोल बोलना और खाना खिलाना है। और फिर आपसे पूछा गया कि ऐ प्यारे नबी, हमें ये बताएं कि इस्लाम का सबसे आला दर्जा कौन सा है? मेरे नबी ने फरमाया कि जिस इंसान के हाथों और जुबान की शर से दूसरा इंसान महफूज हो, यानी उसकी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वो इंसान इस्लाम के सबसे आला दर्जे पर है। और यहाँ पर इंसान का जिक्र किया गया है, किसी मुस्लिम काफिर या किसी और मजहब का नहीं। वो इंसान नहीं जो कि हज, उम्रा, जक़ात ये सारी चीजें करे, वो है, वो भी बहुत अच्छा काम है, वो हमें करना चाहिए, अल्लाह ताला का पसंदीदा, अल्लाह ताला की इबादत में से आता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देखें तो अच्छा बोल बोलना और साथ में किसी को अपनी जात से तकलीफ ना पहुंचाना, दिस इज द बेस्ट थिंग, और ये जो है इस्लाम का सबसे आला मकाम है। तो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का ये मकसद था कि मैं आप सबको बताऊं कि व्हाट इज द रीजन ऑफ अखलाक, और हमारी सोसाइटी में अखलाक के ऊपर कितना फोकस किया जाता है। हम लोगों को अमाल और इन चीजों के बारे में बताया जाता है, लेकिन अखलाक के बारे में बहुत कम बताया जाता है। ये तो बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने अच्छे थे कि वो काफिरों को अपनी तरफ इंस्पायर करके उन्हें मुसलमान बना देते।